Children, hope you are all doing good. Let's start today's chapter: Reproduction in Plants. Learning objectives: Growing plants from seeds, reproduction from seeds, germination, seed disposal and agent, need for seed disposal, and reproduction by plants. Part. Our Earth is the only planet that has all the life-supporting elements. Life on the Earth is in the form of plants, human beings, and animals.

करें इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो रिप्रोड्यूस करें ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इन दैम न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दीज अ सीड हैज डिफरेंट पार्ट्स अ बेबी प्लांट सीड कोट एंड कॉटन लीडन लेट एस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड अब देखिए सीड के ना डिफरेंट आपके पार्ट्स होते हैं लाइक like दिस तो इस एक्टिविटी के जरिए हम समझेंगे इसे Take a bean seed that has been soaked overnight in water. Drain the water and put the seed in a muslin cloth so that it may get adequate air and warmth. After some time, take it out and observe it carefully. You will see that the seed is covered by a thin cover. This cover is called the seed coat. This protects the seed. on the inner side of the seed you will find a small hole in the seed coat through which the seed gets water remove the seed coat observe the seed leaves or cotyledons these store food for the baby plant देखिए आपको एक बीन सीड लेना है ओवरनाइट उसे सोक करके रखना है अब आपको वाटर ड्रेन करना है एंड एक मुस्लिम क्लॉथ में आप उसे रखेंगे एंड उसको इसलिए रखना ताकि उसको एयर एंड वॉम्स मिल सके कुछ टाइम के बाद आप क्या करेंगे उसे निकालेंगे एंड केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे कि जो सीड है वो कवर्ड है एक कवर से एंड इस कवर को कहा जाता है सीड कोट जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा दिस कवर इज कॉल्ड सीड कोट ये क्या करता है ये सीट को प्रोटेक्ट करता है अब जो इनर साइड है सीट का इसमें एक छोटा सा होल होगा सीट कोट के और उसमें आपको क्या दिखेगा सीट जो है उसको वाटर मिलता है इस पार्ट से अब आप सीड कोट को रिमूव करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे सीड लीव्स को या फिर को। दिस इज़ ये क्या करता है ये बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड ग्रोज अ सीडलिंग वेन इट इज सोन इन द राइट टाइप ऑफ सॉइल एंड सीज सफिशियंट अमाउंट ऑफ वॉटर एयर एंड वॉन्ट

देन उसको सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है एयर मिलते हैं वॉन्थ मरती है और उसके बाद सीड आपका सीलिंग मे चेंज होता है दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन अब देखिए सारे जो सीड्स आप होते हैं वो प्लांट नहीं बनते हैं क्यों क्योंकि कुछ को बर्ड्स खा लेते हैं कुछ को इंसेक्ट्स खा लेते हैं कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्ट्रॉग विंड या यावी रेन्स की वजह से एंड कुछ सीड्स को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो जोमिनेट नहीं हो पाते प्लांट्स विथ सिंगल सीड लीव्स आर कॉल्ड मोनोकोड्स फॉर एग्जाम्पल व्हीट प्लांट्स विथ टू सीड लीव्स आर कॉल्ड डायकोड फॉर एग्जाम्पल पी अब देखिए जो सिंगल सीड जिनमें होता है उनमें बोलते हैं मोनोकोट एंड जिनमें आपके दो सीड लीव्स होते हैं उन्हें कहते हैं डाइकॉन्स जर्मिनेशन जर्मिनेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बिफोर ग्रोइंग इनटू अ फुली ग्रोन प्लांट अ सीड हैज टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस व्हिच आर एज फॉलोस इन द अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन द सीडलिंग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द कॉट द सीडलिंग सून स्टार्ट्स टू ग्रो रूट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ दीज रूट्स नेक्स्ट द शूट डिवेलप विच ग्रोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन द शूट देन डिवेल्प लीवस द लीव्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड टू द प्लांट वाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथिस अब देखिए जॉर्मिनेशन के जो की स्टेजेस होती हैं ओली स्टेज में क्या होता है कि सीडलिंग को खाना मिलता है क्वाटलीडन से फिर सीडलिंग जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देता है उसकी रूट्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वाटर एंड न्यूट्रंस को एब्बॉर्व करता है सॉयल से इन रूट्स की हेल्प से नेक्स्ट आपका शूट डिवेलप होता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में आपका ग्रो करता है एंड देन जो शूट होता है वो लीव्स आपकी डिवेलप करता है फिर जो लीव्स होती है वो खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं फोटोसिंथेसिस हैं जो आपका जैसे जैसे अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लान सम प्रोसेस दिस इज कॉल्ड सी डिस्पोजल द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल इज कैरीड आउट बाई एजेंट्स लाइक वेन वाटर एनिमल्स एंड एक्सप्लोशन Disposal by wind. Seeds of some plants are lightweight and are hairy and winged. These seeds can be easily carried away by wind. Examples are dandelion, cotton and madar. Disposal by water. Some plants have a spongy seeds or seeds with fibrous outer coverings which help these seeds stay afloat in water. Water carries these seeds to larger distances. एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स लोटस स्पॉन्जी सीड एंड कोकोनट फाइबरस आउटर कवरिंग ऑन द सीड अब देखिए विंड से जैसे डिस्पोजल होगा डिस्पोजल का मतलब होता है कि पेरेंट प्लांट से आपका जो सीड है वो कहीं और स्केटर हो जाता है तो जैसे विंड से कैसे होगा जैसे कुछ आपके जो सीड्स होते हैं लाइट वेट होते हैं ह्योरी और विंग्ड होते हैं तो बहुत तेजी से अगर जैसे हवा चलती है तो आपके दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं आपके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आपके डेंडली इंकॉर्टेट न एंड वाटर से जो आपके प्लांट्स होते हैं कुछ उनकी स्पॉन्जी सीड्स होती है या सीड्स में कुछ फाइबरस आउटर कवरिंग होती है जिससे कि पानी में फ्लोट करके दूसरे लार्ज डिस्टेंसेस तक पहुंच जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका है लोटस या फिर कोकोनट डिस्पोजल बाय एनिमल्स एनिमल्स यूजलीट फ्रूट थ्रो वे सीड्स सम फ्रूट एंड एनिमल्स अलॉन्ग विध सीड्सिंग बर्ड्स है Which cling to the bodies of animals and these seeds then get carried away from their parent plant. Examples are जेंथियम hooks and स्पीय grass spines डिस्पोजल by fruit explosion poppy pea violet and bean fruits burst open on ripening the seed gets scattered in all direction ab एनिमल कैसे डिस्पोज करते हैं एनिमल जनरली क्या karte हैं फ्रूट खाते हैं और बीज उसका कहीं fek dete देते हैं तो कुछ आपके फ्रूट जैसे बर्ड्स खा लेती हैं या और एनिमल्स सीड के साथ ही खा लेते हैं राइट तो जो एक्सक्रीट करते हैं तो उनके ड्रूपिंग्स में उनके फेकस में वो सीड्स आ जाते हैं इसी तरह से जैसे कुछ सीड के हुक्स होते हैं या होते हैं राइट या हेयर होते हैं तो वो बॉडी से चिपक जाते हैं या तो एनिमल्स की या फिर ह्यूमन बींग्स की एंड दर अपने पेरेंट प्लांट से कैरीड अवे हो जाते हैं इसके एग्जाम्पल है आपके जैनथियम एंड स्पीय ग्रास इसके बाद फ्रूट एक्सप्लोजन कुछ आपके फ्रूट ऐसे होते हैं जब वो पक जाते हैं तो एक्सप्लोड हो जाते हैं और उनके जो सीड्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आपके स्कैटर हो जाते हैं Need for seed disposal. We know that plants are fixed at one place and cannot move from place to place to dispose their seeds. If so many seeds grow too close to one another, then none of them will get sufficient water, space, and sunlight. As a result, healthy plants will not grow. दस इट इज इम्पॉर्टेंट दैट सीड्स आर डिस्पोज्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट अब देखिए सीड डिस्पोजल आपका नेसेसरी क्यों है देखिए प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं कर सकते अब सारे ही सीड्स अगर एक ही जगह पे ग्रो हो जाएंगे बहुत क्लोज एक दूसरे के तो क्या होगा उनको सफिशियट वाटर नहीं मिल पाएगा आपको स्पेस नहीं मिल पाएगा सनलाइट नहीं मिल पाएगा और इससे हेल्दी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे

some plants are reproduced by bulbs a bulb is a stem that is surrounded by leaves the leaves store food for the plant the plant then sends up shoots the food is used by the shoots an example is the lily a potato can reproduce itself by growing roots from a specialized part of its body a potato is an underground stem which has birds called eyes on its surface every piece having a bud is able to produce a new plant such plants are called tubers the कॉमन ग्रास देखी होगी लॉन में तो उसमें क्या होता है आपकी जो न्यू रूट्स और जो शूट्स होती है वो आपके स्टेम से ग्रो करती है शॉर्ट डिस्टेंस उस पर और उसके बाद नया प्लांट बनता है तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं रनर्स कुछ प्लांट्स आपके रिप्रोड्यूस करते हैं बल्ब से बल्ब एक्चुअली का स्टेम होती है जो सराउंडेड होती है आपकी लीव से लीव्स क्या करते हैं प्लांट के लिए फूड स्टोर क्या रखे रखते हैं तो प्लांट जो है देन सेंड करते हैं शूट्स को अप एंड देन फूड जो है यूज अप हो जाता है शूट्स के द्वारा एग्जाम्पल है आपका लिली पटेटो जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय ग्रोइंग रूट्स उसका एक स्पेशलाइज बॉडी पार्ट होता है आपका पटेटो आपको पता है कि अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें बर्ड्स होती है जिसे हम आइज भी कहते हैं कभी नोटिस करना आपको आलू के सर्वेस पे आइज नजर आएंगे ठीक है तो हर जो पीस होता है हैविंग अ बर्ड इज ऑल्सो एबल टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट और ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है ट्यूब लीफ ब्रायोफिलम इज अ प्लांट हुज लूव हैव बर्ड्स ऑन द मार्जिन

रूट्स आपकी हेल्प करती हैं रिप्रोडक्शन में जैसे कि अगर हम स्वीट पोटेटो या जो की की रूट्स बात करें तो ये पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाती है, और फिर उनसे एक नया प्लांट बनता है क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर प्लांट्स प्रोवाइड फूड ऑक्सीजन मेडिसिन टिम्बर इट्स वी ग्रो प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल सो दैट वी मे गेट इन फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स टू फुलफिल आर नीड्स दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर देखिए जब हम लार्ज स्केल में प्लांट्स को ग्रो करते हैं Food killia those products kill agriculture. You must have seen that plants of the same kind are grown in one field. For example, in a particular field, you will see only wheat plants or only rice plants. You will never find a field in which all the plants are of different kinds. Plants of one kind grown in a particular area at a particular time are called crops. The particular area in which a crop is grown is called a farm, and the person who works on a farm is known as a farmer. अब देखिए आपने देखा होगा कि किसी फार्म में एक पर्टिकुलर फील्ड में आपके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप्स होती है जो लार्ज स्केल में होती है जैसे कि अगर हम वीट प्लांट की बात करें या राइस की बात करें ठीक है तो इन्हें हम कहते हैं क्रॉप्स एंड इन क्रॉप को जो उगाते हैं फार्म में और जो उगाने वाले पर्सन होते हैं फार्मर्स वाइल्ड ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कैप्टन माइंड डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइयल The seeds should be sown in the right type of soil to ensure maximum production of crops. It is very important to use good quality seeds, otherwise, we will not obtain a good and healthy crop. There are two crop seasons, Rabi and Kharif. The following table gives a little description of the two types of crops. Now, different type of two crops grow different type of soil. Mein hi grow hai. Seed, ko have right type of soil. Mein hi बोना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके इसके अलावा आपको गुड क्वालिटी सीड्स ही सो करने चाहिए आपके देखिए दो क्रॉप सीजन होते हैं राबी एंड खरीफ तो यहां पे देखिए आपको इसका डिफरेंस दिया गया है राबी क्रॉप का ड्यूरेशन देखिए ये बोए जाते हैं आपके नवंबर टू अप्रैल यानी विंटर में एंड खरीफ सीजन आपकी होती है खरीफ क्रॉप आपकी जून टू अक्टूबर यानी समर डिपेंडेंसी ऑन मानसून राबी क्रॉप मानसून पे डिपेंडेंट नहीं होते जबकि खरीफ क्रॉप लार्जली डिपेंडेंट होते हैं मानसून में एग्जाम्पल्स हैं आपके ये आपके राबी क्रॉप्स के एंड आपके खरीफ क्रॉप्स के द फील वेर क्रॉप इज ग्रोइंग शुड बी प्रॉपरली वॉटर्ड अदरवाइज अ क्रॉप में ड्राई एंड आई द क्रॉप इज प्रोन टू डेमेज बाय पेस्ट बर्ड ग्रीजिंग एनिमल्स एंड डिसीज इट कैन बी प्रोटेक्ट इन द फॉलोइंग वेज

अब क्रॉप प्रो जो है आपके डेमेज बहुत जल्दी होती है जैसे कि पेस्ट से बर्ड्स ग्रीजिंग एनिमल्स से तो इनको प्रोटेक्ट करना है उसके आपके तरीके हैं प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए स्केयर क्रो का यूज़ कर सकते हैं एंड आपकी जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको सील कंटेनर में प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए अब आपको देखिए एक टेबल गिवन है क्रॉप्स कौन सी जैसे राइस है आपकी सॉइल कौन सा होगा इसमें जिसमें ये उगते हैं आपका clay soil, plenty of water, hot and ह्यूमिड क्लाइमेट एंड मेन प्रोड्यूसर्स आपके ये सारे स्टेट्स हैं इसी तरह से आपको wheat, मेज टी एंड कॉटन का भी दिया गया है सो यू हैव टू गो थ्रू दिस टेबल अस रिमेम्बर मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई प्रोड्यूसिंग सीड्स जॉमिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ अ सीड इन अ सीडलिंग अ सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट कॉटडीड और सीडलिज एंड अ बेबी प्लांट wind water animals and explosion are agents that help in dispersal of seeds remember that new plants may also grow from parts of a plant which has a stem a root or a leaf the practice of growing plants on large scale for food or other products is called agriculture there are two crop seasons rabi and kharif children i hope you have and this chapter shakti chapter. chapter and its chapter practice about kutsagarang